हैदराबाद में जैसे हुसैन सागर है वैसे हमारे राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में सरूर नगर का लेक है। इस सरूर नगर लेक के जो वॉल है उसके ऊपर हमने 2 साल पहले एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया। ये पुलिस आउटपोस्ट जो है काफी हमें काम आ रहा है। अभी तक ये पुलिस आउटपोस्ट होने से हमारा आउटपोस्ट पे काम करने वाला एक होमगार्ड नंबर 29 मंत्री ईश्वरैया, इसने 6 लोगों की जान वहां पे उन्होंने बचाई है। इस 6 लोग जो है उसमें 2020 से लेके कल तक तकरीबन हम देखेंगे तो कल जो है शाम को 4:30 बजे के समय में एक शिवकुमार नामक शख्स लो फेल्योर के कारण सैदाबाद का रहने वाला है, वहां पे जब उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया उसने और काफी पानी में था, ये होमगार्ड ईश्वरैया ने खुद अपने जान हथेली पे लेके उसने पानी में जाके ये शिवकुमार की जान बचाई और बाद में उसको उसने फर्स्ट एड भी दिया, उसके कारण वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके रिलेटिव को उसको हमने हैंडओवर किया है। 2020 में 4 अप्रैल को ईश्वरी होमगार्ड ने एक शोभा नामक लेडी की जान बचाई थी। उसके बाद उसने इस साल 31 मार्च को एक संतोष नामक शख्स, 27 मार्च को एक दीपिका नामक महिला, 26 अप्रैल को एक कविता एक महिला और 10 मई को ईश्वर अम्मा करके एक महिला, 6 लोगों की अभी तक इसने जान बचाई है। इसको हमने अभी आज के आशीर्वाद से नवाजा है अच्छे काम के लिए। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री लाइफ सेविंग मेडल जो है उसके लिए हम अभी उसका साइटेशन भेजने वाले हैं। किसी की जान बचाना केवल वो व्यक्ति की जान बचाने का काम नहीं तो उसका पूरे परिवार के लिए काफी वो महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छा काम उसने किया ईश्वरैया ने, इसलिए हमने उसको कैश रिवार्ड से सम्मानित किया। लॉकडाउन के बारे में 12 मई को हमारे तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, वो 30 मई तक रहेगा। सुबह 10 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे तक ये लॉकडाउन एनफोर्समेंट हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो रिलैक्सेशन टाइम है 6 बजे से 10 बजे उस पीरियड में भी सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क नहीं पहनना हो या लार्ज गैदरिंग या पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंकिंग ऐसे केसेस हम उस पीरियड में भी बुक करें। 12 मई से अभी तक हमारे राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में टोटल 56,466 केसेस नमूद हुए। उसमें लॉकडाउन वायलेशन सुबह 10 बजे के बाद जो लोग रोड पे आके जिनके पास पास नहीं है, परमिशन नहीं है या जेन्युइन कारण नहीं है, ऐसे 41,990 केसेस नमूद हुए। उसके साथ साथ जो है मास्क नहीं पहने इसलिए 11,638 या मास्क ठीक से नहीं पहन रहे 11,638 केसेस है। जो लार्ज गैदरिंग ज्यादा लोग एक जगह जमा हो रहे वो 601 केसेस है। सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी मेंटेन नहीं कर रहे, बहुत नजदीक लोग खड़े हैं, ऐसे मामले में 1,823 केसेस रजिस्टर्ड हुए। पब्लिक प्लेसेस पे लिकर ड्रिंकिंग या पान और टोबैको थूकना ऐसे कारण के लिए तकरीबन 414 केसेस रजिस्टर्ड हुए। और व्हीकल अभी तक सीजर है लॉकडाउन वायलेशन का, वो संख्या है 13,490 व्हीकल अभी तक यहाँ सीज हुए। 47 चेक पोस्ट अभी यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ नेशनल हाईवे पे जो इंटरसिटी स्टेट और इंटरस्टेट व्हीकल जो है या गुड्स व्हीकल जो है जो सिटी में नहीं आ रहे ऐसे लोगों के लिए हमने ओवरऑल पे डाइवर्जन पॉइंट 5 जगह पे रखा हुआ है। रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक सिटी में लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो बड़े व्हीकल है गुड्स व्हीकल उसके लिए स्पेशल परमिशन हम लोग दे रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आईटी, आईटीएस, इन लोगों को एक्चुअली
सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही शिफ्ट चेंज करने का था, लेकिन सेकंड शिफ्ट के लिए उनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम तीनों कमिश्नरेट में अभी शाम को 7 बजे से 9 बजे उन लोग के लिए विंडो समय हमने दिया हुआ, उस समय सेकंड शिफ्ट घर से लोग आ सकते या फर्स्ट शिफ्ट वाले अपने घर वापस जा सकते। काफी अच्छी तरीके से लॉकडाउन एनफोर्समेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कल ही हमारे तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी सर भी यहाँ आके उन्होंने पूरा सुपरवाइज किए और अच्छा काम के लिए उन्होंने भी राजकोंडा पुलिस की सराहना की है, उनको भी हमारे राजकोंडा पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। होमगार्ड स्पेशल पुलिस ऑफिसर से लेके सब लोग काफी अच्छा काम काफी रिस्क लेके इस पीरियड में राजकोंडा में कर रहे हैं, और हमारी जो सिटीजन्स है हमारे आवाम का भी उनको काफी अच्छा ताउन मिल रहा है, तो आवाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ ये अच्छे काम के लिए हमारे डिपार्टमेंट के हर एक जो हमारे कर्मी हैं उनकी मैं सराहना करता हूँ। थैंक यू।